ऑन हो गया? हाँ जी हाँ। नाम ही भूल गया मैं तुम्हारा, मनप्रीत। हाँ जी मनप्रीत ना। हाँ जी। तो इसका है कुछ फोटो वोटो? सीपीयू भी खोले सो अभी बताओ। और निकालो से भेजेगा कुछ? ठीक है। क्लीनिंग व्लीनिंग का है कुछ? क्लीनिंग नहीं। ठीक है, अपने हाथ से करे ना अब। हाँ जी। अभी समझ में आया कैसा करना है क्या है? हाँ जी सर। अब आप सीपीयू आप ही खोले। हाँ जी। आप क्लीन करें, लगाए भी आप ही? लगाए। अब इसमें जो गलतियाँ हो रही थी समझ में आया क्या? हाँ, गलती हो रही थी कैसे? वो बता दी है, वो आसानी से हो गया वो ट्रिक से। अभी तो अगर अभी तो एक ही बनाए ऐसा, घर जाके जब आप एक महीना 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे ना अभी तो। हाँ जी हाँ, जल्दी से हो जाएगा। अब इजी हो जाता है एक, ये खुद ही बनाए ना आप ये। हाँ जी हाँ। ऑन हो गया पूरी तरह से, देख पूरी तरह से ऑन हो गया। कौन है? M31 है। M31 कैसा लग रहा है ऑन करने के बाद? बहुत खुश हूं। कुछ भी स्माइल स्माइल कुछ भी नहीं दिख रही। लाइव बनाए ना इनो? हाँ जी हाँ। ठीक है चलो बना लेते ना अभी तो। हाँ जी सर। ठीक है, कहाँ से आप वैसे? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में रायकोट से। रायकोट से। ठीक है, अभी ये डबल डेकर भी हो गया। ब्लैक पे शर्ट तो खोल लेते तुम ऑलरेडी, व्हाइट पे शर्ट सब खोल लेते हैं। हैंड स्किल में तो कुछ बता नहीं तुम्हारा। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक भाई, गुड जॉब। फोन फिक्स हैदराबाद, एंड्रॉयड MMC एंड आईफोन ट्रेनिंग सेंटर एंड ISO 9001-2015 इंडियाज बेस्ट मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। ज्वाइन टुडे, ज्वाइन इमीडिएटली फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। भुवनेश्वर से। कब से काम कर रहे थे? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया और आज 5 दिन की ट्रेनिंग हो गई। पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया? कितना है? तो कुछ भी नहीं आता था, डायग्राम रीड करना, कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं, कैसे जाते हैं, कुछ नहीं आता था। ऐसी वगैरह रिवॉल्विंग भी नहीं आती? कुछ भी नहीं। पहले दिन से तंग करता था, सर मेरा सीपीयू रिवॉल्व होता क्या, पावर होता क्या? आज 5 दिन हो गया, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ अभी सीपीयू रिवॉल्व हो जाता? सीपीयू हो गया, पावर हो गया, EMMC हो गया। नॉर्मल करे उसमें पेस्टेड में कुछ खोले? ब्लैक और व्हाइट पेस्टेड खोल लिए। दोनों खोल लिए? खोल लिए। कुछ डैमेज हुआ? नहीं सर, डैमेज कुछ नहीं। इजी लगा? इजी लगा। मैं कैसा लगा ट्रिक यहाँ का जो हार्डवेयर में सिखा रहे हो? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं। सगीर सर, सागर सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हाँ। उनका ट्रिक बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, और प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में बताओ कैसा पढ़ा रहे? फिरोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। दिल से बोल रहे जबरदस्ती बोल रहे काम में तेरे बोलिए बोल देते हैं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे? पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, कहाँ से बोले आप? ओडिशा। ओडिशा से। ओडिशा से कोई आना चाहे तो ओडिया में बताओ क्या बोलना चाहेंगे? भाई देखो, कहा मोबाइल रिपेयरिंग डीप नॉलेज होगा, पूरा डीप नॉलेज। पहले किसी को देखा होता है, एक तरह का फोन फिक्स हैदराबाद, एक नंबर इंस्टीट्यूट इंडिया का। रहने खाने का कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन है, हॉस्टल फ्री है पूरा एकदम। और जो खाने का कर लो फ्री एकदम एकदम फ्री है। और खाने का अपने से टिफिन वाला उधर ही रहता है, वो आके देखा जाता है। अच्छा, नीट के लिए नहीं कि नहीं हॉस्टल? हाँ, पूरा अच्छे सोच के दूर आए तो रहने के लिए सब लोग बताओ। एक बड़ा रूम रहता है पूरा, एक बड़ा रूम रहता है पूरा, उसमें 4 जन आराम से, चाहे तो 8 भी सो सकते, लेकिन हम 4 जन ही रहते हैं एक एक रूम में। अच्छा बड़ा रूम, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये बताओ, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं आप, थ्योरी भी कर रहे हैं, कितना घंटा क्लास चल रहा है? सर सुबह हमारा प्रैक्टिकल चलता है 10:30 से, थ्योरी वाला चलता है 10:30 से 1:30 तक चल जाता है। उसके बाद लॉन्च होता है 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का। उसके बाद प्रैक्टिकल चलता है 2 बजे से रात 8:30 तक, और बीच में एक चाय ब्रेक होता है 5-10 मिनट का। अच्छा ठीक है, एक बार जोरदार इनके लिए। अभी मेरे को ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आप में से कोई ऐसा है क्या जो कि एक IC रिवॉल्व कर नहीं किया अभी तक? IC सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा के, सबको आ रहा है रिवॉल्व करने? सक्सेस भी सब। अच्छा, 4G Android में IC लगा के कितने लोग ऑन कर लिए? सारे। थोड़ा हाथ उठा के बताना है भाई। पावर, EMC, CPU सब कर लिए। सब करे कि नहीं करे भाई? खाली ऐसा तो नहीं है खाली कीपैड में काम कर रहे? नहीं सर। कोई भी शेड आए तो कर सकते ना अभी? पेस्टेड IC खोलने कोई डर तो नहीं है? नहीं सर। ब्लैक पेस्टेड? नहीं सर। सबसे हो रहा है अभी? अभी तो 5 दिन हुए, पूरा महीना भर आपको यही करना है, प्रैक्टिस करना रहता है खाली। मतलब एक दिन में किसी को भी नहीं आता है, अपने को प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आएगा अपना स्किल। वेरी गुड वेरी गुड। हम प्रैक्टिस करें। मेन क्या चाहिए था आपको, क्या टूल्स नहीं थे क्या आपके पास? सरदार जी आप बताइए थोड़ा सा, कहाँ से आप? सर पंजाब से हूँ, मैंने 5 दिन में ड्यूल
क्या बात है, एक बार जोरदार इनके लिए क्लास। देखो 5 दिन में है और सबका हैंड स्किल, सबका लेवल अलग रहता है, कभी पहले से काम करते हैं या कुछ भी है। तो सरदार जी आप ही बता दो, पंजाब से कहाँ से आप? पंजाब से हुशियारपुर से। ठीक है, तो अभी पहले में और अभी 6 दिन हो गए आज को अपने को, तो बहुत फर्क है। कितना फर्क आ गया आपको? 50% से ज्यादा। कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? चाहिए पूरा इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उतनी दूर ऊपर नॉर्थ से पंजाब से इधर साउथ में क्यों आ गए आप? जैसे आप बता रहे हैं ना, ऐसे कोई बता नहीं रहा इंस्टीट्यूट वाला जी, जो थ्योरी है जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर हो रहा है ना, वैसे कोई इंस्टीट्यूट बता नहीं रहा। क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग पैसे दे के कुछ खिला पिला के जबरदस्ती तो नहीं पूछ रहे ना आपसे, मेहनत करने बोल रहे हैं और खुद भी मेहनत कर रहे हैं, छोड़ के तो नहीं चले जाते आप लोगों को? बोलो भाई, आपके साथ रहते कि नहीं रहते पूरा दिन? हर टाइम सर 3 साल रहते हैं, प्रैक्टिकल में भी थियोरी में भी, हर टाइम साथ रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं आपका क्या हुआ, कैसे करे, कोई दिक्कत आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हर टाइम बोलते रहते हैं। तो आके आपको पूछते नहीं हुआ तो सामने बिठा के भी कराते हैं आप? कराते कि नहीं कराते? अरे इनको नहीं आ रहा, फ्रेशर है, छोड़ दो, ये नहीं कर पाएगा, ऐसा तो भी ऐसा नहीं सिखाते, बल्कि यहाँ पे तो हाथ पकड़े के सिखाते हैं। जी जी जी, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं कानपुर से, दीपक। पहले कब से काम कर रहे थे आप? सर वैसे तो मैं 2004 से कर रहा हूँ, बट बीच में मैंने 4-5 साल काम नहीं किया था, बट अभी यहाँ आके ये है कि वापस प्रैक्टिस करने लग गया हूँ। यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि दूसरी जगह भी जाते थे वहाँ पे कहते थे देख के सीखना है, बट यहाँ पे क्या है कि हाथ पकड़ के सिखाते हैं और मेहनत खुद भी करते हैं सर यहाँ पे सारे, और हमसे भी पूरी पूरी मेहनत करा रहे हैं। अगर हमसे कोई डाउट रह भी जाता है तो रात को स्पेशली हॉस्टल में आके सर रात को 11 बजे भी आते हैं, 12-12:30 बजे तक हमको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अच्छा, आपको जो डॉट्स है वो क्लियर होते हैं ना उसमें? एक्स्ट्रा टाइम हम तो बोलते नहीं है किसी को भी कि रात में भी हम बढ़ाएंगे बोल के, है ना? आप लोगों के कुछ डॉट्स होते हैं तो कंपलसरी, क्योंकि नई चीज पहली बार सुनते ही किसी को समझ में आता है क्या? थोड़ा टाइम लगता है आपको। डे 1 से अभी तक बहुत सारा आप में चेंजेस आया होगा, पहले काम कर रहे थे और अब काम करने में बहुत सारा नजरिया चेंज हो रहा होगा सेक्शन में। 3 डेज हुआ है लेकिन मैं तो काफी कुछ क्लियर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी डीप नॉलेज मिल रही है सर यहाँ पे। डायग्राम वगैरह अभी रीड कर पा रहे हैं? बहुत इजी है, बहुत आसान लग रहा है। बहुत आसान। तो यहाँ आने से पहले क्या लगता था डायग्राम देख के? थोड़ा भूल गया था क्योंकि पहले तो इस तरह से बोनी वगैरह नहीं आता था, पहले हम लोग डायग्राम बुक लेके उसमें देखते थे, उसमें तो पूरा पूरा दिन सिर खपाते थे कि ये कंपोनेंट कहाँ लगा ये। अब तो बोनी इतना इजी है, और जो आपका समझाने का ट्रिक है वो इतना इजी है कि हम 1 सेकंड में ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा है और किसका क्या वर्क है। हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं किससे पढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम से पढ़ते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के पढ़ते हैं? बोलो भाई, सर्किट डायग्राम से पढ़ते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन डायग्राम से। हार्डवेयर सॉल्यूशन हमको मतलब आप पढ़ते नहीं, सर्किट डायग्राम और लेआउट से हमको पढ़ते हैं। हमें स्कीमेटिक समझना जरूर है, डायग्राम कहाँ से क्या आता है और क्या उसका वर्क है, क्योंकि कल के दिन अगर बोर्नियो वाला बंद कर दिया तो हम बैठेंगे क्या हार्डवेयर सॉल्यूशन के लिए? बोलो भाई, नहीं बैठेंगे ना। तो मेन क्या आना चाहिए आपको? रीड करना आना चाहिए डायग्राम, रीड करने। सर अगर हम ये समझ में आ गए कि कौन से कंपोनेंट का क्या वर्क है तो सॉल्यूशन तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे उसका। वेरी गुड, किसका क्या वर्क है, कैसे चेक करना है, कहाँ पे लगा है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, कहाँ पे आपको सिग्नल आ रहा है, यही मालूम होना होता है ना? Yes, sir. ये तो हम कहाँ से सीख रहे हैं सब कुछ? डायग्राम से। कहाँ से? सबको बन रहा है ना अभी डायग्राम रीड करने? ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार क्लैप सबके लिए। कहाँ तक आ गए थे अपन? 1 नंबर पिन तक। 1 नंबर हमारा क्या हो गया आगे जाके? कैथोड 1 और आगे से यही सप्लाई है कैपेसिटर के थ्रू कैथोड 2। बस क्या गया इसमें हमारा 5 नंबर पिन। 5 नंबर पिन को हम क्या बोलते हैं? CABC और PWM, जो कि 5 नंबर से निकल के कहाँ तक कनेक्टेड है हमारी? 7 नंबर तक कनेक्टेड है। ठीक है, तो यही चीज अगर अच्छे से सीखना है जो देख रहे हैं लोग, उनको क्या बोलना, कहाँ सीखना होगा अगर प्रॉपर सीखना है तो? वीडियो में देखने से मिलता क्या सब कुछ बता भी दूं तो? नहीं आता ना भाई, एक बार जोरदार क्लैप सबके लिए। ठीक है, कट कर दो। शकील बंसारी किधर से? कर्नाटका से। पहली बार बनाए ये? हाँ सर, पहली बार। फर्स्ट टाइम? हाँ सर। बन गया, इजीली बन गया? हाँ सर, आपके ट्रिक से बहुत इजी बन गया सर। सब लोग देखे लाइव बनाए ये? हाँ सर। वेरी नाइस भाई, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। पूरा आन होने दो।
ओके वेरी नाइस।